हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ त्रिशा और मैं आ गई हूँ आप सभी के लिए एक मेकअप वीडियो लेके। आज का वीडियो होने वाला है वेडिंग गेस्ट मेकअप वीडियो। ये भी एक रिक्वेस्टेड वीडियो है सानवी गुप्ता की, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सो सबसे पहले मैंने अप्लाई किया है आयुर का क्लिंजिंग मिल्क एंड उसे फुल फेस पे अच्छे से अप्लाई करने के बाद एक कॉटन से मैंने पोंछ लिया है एंड उसके बाद मैं अप्लाई कर रही हूँ एक लिक्विड हाइलाइटर, उसके साथ एक मॉइस्चराइज़र मिला के मैं मेरे फुल फेस पे अप्लाई करूँगी। क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट मेकअप है तो हमें थोड़ा सा तो शाइन करना ही पड़ता है। अभी बहुत ही गर्मी है, इसीलिए मैं एक मैट प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ मेरे फेस पर, ताकि मेकअप बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड अच्छे से ब्लेंड हो जाए मेरे फेस पर। आज मैं मेकअप थोड़ा सा अलग तरीके से करूँगी, क्योंकि ये वेडिंग गेस्ट स्पेशल है। सो पहले ही मैं आईब्रो कंप्लीट कर रही हूँ। दोनों आईब्रो को डार्क ब्राउन आई शेडो से फिलअप करने के बाद मैं एक लाइट कॉन्सीलर लूँगी एंड उससे मेरे आईब्रो को शार्प कर लूँगी। आप लोग ध्यान रखिएगा कि दोनों आईब्रो के लेंथ एक जैसे ही हो, एक मोटा या फिर एक पतला ना हो जाए। दोनों आईब्रो को कंप्लीट कर लेने के बाद मैं मेरे आईलिड पर सेम कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। आज हम आई मेकअप पहले करेंगे एंड उसके बाद फुल फेस का मेकअप करेंगे। कंसीलर अप्लाई करने के बाद मैं ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आईज को अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी, ताकि हमारी आई मेकअप बहुत ही अच्छी तरह से हो पाए। कंसीलर ब्लेंड करने के तुरंत ही बाद हमें पाउडर से सेट करना पड़ता है मेकअप को, ताकि कोई क्रीज लाइन ना पड़ जाए। आई मेकअप करने के लिए मैं सबसे पहले अप्लाई कर रही हूँ येलो एंड ऑरेंज का एक बेस एंड इसके बाद मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई कर रही हूँ रेडिश ऑरेंज। दोनों कलर को ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से अच्छे से ब्लेंड करना पड़ेगा। आप जितने अच्छी तरह से ब्लेंड कर पाएंगी, उतनी अच्छी तरह से आपका आई मेकअप होगा। अभी मैं ब्लू एंड बारगेंडी कलर को मेरे आईलिड पे अप्लाई कर रही हूँ एंड पिछले अप्लाई किया हुआ जो कलर है उनके साथ मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। दोनों आईज पे ब्लेंड करने के बाद मैं एक कंसीलर लेके ब्रश की मदद से एक कट क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। दोनों आंखों पे पहले कट क्रीज का एक लाइन बनाना होगा एंड उसके बाद फिलअप करना होगा। दोनों आंखों पे कट क्रीज बनाने के बाद मैं मेरे उंगलियों की मदद से थोड़ा सा ब्लेंड कर लूंगी। इसके बाद मैं रोज गोल्ड कलर के एक ग्लिटर मेरे आईलिड पर अप्लाई करूंगी उंगलियों की मदद से। ये बात आप सबको याद रखना होगा कि ग्लिटर हमेशा उंगलियों की मदद से अप्लाई करने से वो बहुत ही आसानी से अप्लाई हो जाता है एंड ब्रश की मदद से सिर्फ जो एजेस पर आप अप्लाई नहीं कर सकते उंगलियों की मदद से, उन जगहों पर ब्रश की मदद से आप अप्लाई कर लीजिएगा।
अप्लाई करने के बाद मैं मेरे आईज़ के आउटर कॉर्नर पर रेड एंड बारगेंडी कलर अप्लाई कर रही हूँ, ताकि जो मैंने ग्लिटर अप्लाई किया है उसके साथ मिक्स्ड हो जाए। एंड आँखों के डेप्थ दिखाने के लिए मैं थोड़ा सा ब्लू कलर अप्लाई कर रही हूँ मेरे आईज़ के आउटर कॉर्नर पर। उसके बाद मैं मेरे आईलाइनर अप्लाई कर रही हूँ। इसे हम कोई विंग्स नहीं बनाएंगे, हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। दोनों आंखों पे मैंने थोड़ा सा मोटा आईलाइनर अप्लाई किया है एंड इसके बाद हम एक ब्लेंडिंग ब्रश की मदद से ब्लैक आई शेडो लेके इसके जो एंड है उसको हम ब्लेंड कर लेंगे। दोनों ही आंखों पर हमें सेम चीज़ करना है एंड इसके बाद मैं फेस के लिए अप्लाई कर रही हूँ क्राइलॉन का 22 एंड 28 शेड एक साथ मिला के। आप लोगों के पास अपने स्किन टोन का जो भी फाउंडेशन है आप लोग वो अप्लाई कीजिए। फेस के साथ साथ गले को मत भूलिएगा, फिर फेस एक कलर का हो जाएगा एंड आपके गला दूसरा कलर का हो जाएगा। इसके बाद मैं पूरे फेस को ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर रही हूँ एंड अप्लाई कर रही हूँ कॉन्टोर। ये भी मेरे क्राइलॉन का जो सेट है उसमें से सबसे डार्क जो कलर है उससे मैं कॉन्टोर अप्लाई कर रही हूँ। हमें कॉन्टोर को भी बहुत ही अच्छे से ब्लेंड करना होगा एंड इसे ब्लेंड करने के बाद हम अप्लाई करेंगे कंसीलर। अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ एक लाइट कंसीलर मेरे अंडर आईज पर। कंसीलर अप्लाई करने के तुरंत बाद ही हमें इसे पाउडर से सेट करना पड़ता है, तो मैंने सबसे पहले मेरे अंडर आईज पर पाउडर लगा लिया ताकि कोई क्रीज लाइन ना पड़ जाए एंड उसके बाद बाकी जो हाईलाइट जोन है उस पर मैंने पाउडर अप्लाई कर दिया है। अगर आपके पास सेटिंग पाउडर नहीं है तो आप बेबी पाउडर जो होता है जॉनसन्स बेबी का वो भी अप्लाई कर सकते हो। पाउडर अप्लाई करने के बाद कॉन्टोर जो जोन है वहाँ पे मैं ब्रॉन्जर अप्लाई कर रही हूँ। अंडर आई पर मैंने रेड एंड पर्पल कलर एक साथ मिक्स्ड करके अप्लाई किया है एंड आउटर कॉर्नर पर मैंने थोड़ा सा ब्लू अप्लाई किया है।
अभी मैं एक पीच कलर का ब्लश लेके मेरे चीक्स पर अप्लाई कर रही हूँ एंड उसके साथ साथ मैंने नोज पर भी थोड़ा सा अप्लाई किया है। सब कुछ कंप्लीट हो जाने के बाद मैं पाउडर को क्लीन कर रही हूँ मेरे फुल फेस से एंड मैंने लिपस्टिक भी अप्लाई कर लिया है एक न्यूड ब्राउन कलर एंड इसके साथ मैं हाईलाइट अप्लाई कर रही हूँ मेरे हाईलाइट जोन पर। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तो तब तक के लिए बाय बाय।